ग्रेनाइट भोजपुरी देखे वाला तमाम दर्शकन के आदित्य मोहन के नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। आज हम आयल बानी हमार फिल्म विजयनी के मुहूर्त पे, जेकर गाना काफी प्यारा गाना, दर्द भरे गाना गातरी भीतर में पामिला जैन जी, डायरेक्टर हुए ब्रजभूषण जी और लाइफलाइन प्रोडक्शन से ये फिल्म बनता, जेकर प्रोड्यूसर हुए जोहन चक्रवर्ती जी। मोहिनी जी बगल में बड़ा मुस्कुराता जी। नमस्कार, मैं हूँ मोहिनी घोष और आप लोग देख रहे हैं प्लानेट भोजपुरी। विजयनी के बारे में, विजयनी के पूरे टीम को मैं नाम लीजिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम मैं ढेर सारा बधाई देना चाहूंगी। एक्चुअली आदित्य जी इतना प्यार से उनका नाम ले रहे हैं ना, तो बार-बार हंसी आ जा रहा है। मैं थोड़ा बांग्ला बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। विजयनी के बारे में अभी अंदर में एक गाना शूट हो रहा है, मैंने गाना रिकॉर्ड हो रहा है, जिसका मैंने जिसको सिंगिंग कर रहे हैं पामेला जैन जी, और बहुत अच्छा गाना है, बहुत दर्द भरी गाना है, और मैं इस पूरे टीम को ढेर सारा बधाई देना चाहूंगी जी। अभी तो मेरी एक शूट चल रही है जिला चंपारण, जिसका हीरो है सुपरस्टार खेसारी लाल जी, जिसके ऑपोजिट मैं काम कर रही हूँ, और उनके साथ मेरा फर्स्ट मूवी है, और फर्स्ट मूवी फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है रहा, और मैं चाहूंगी कि जितने सारे स्टार कास्ट उसमें काम कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े सीनियर लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मोहिनी घोष ऐसे ही हमेशा सीखते रहे। अभी तो थोड़ा हमारे शुरुआत हुई है, आगे तो और भी बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले तो आवता मोहब्बत के सौगात, ट्रेलर काफी पसंद आई यूट्यूब पे लोगों के, होली बाद आई, काफी अच्छा मुद्दा बा हस्बैंड वाइफ के सिचुएशन के, उनका कहानी के ऊपर बेस बा। पल्लवी जी प्रोड्यूसर बाड़ी, ब्रज जी डायरेक्टर बाड़ी। ओकर बाद एक फिल्म आवता स्वर्ग, जिनमें हम प्रिया शर्मा, कल्लू, संजय पांडे, वो भी काफ़ी अलग मुद्दा बा। मतलब एक लड़की के ख्वाब कैसे, एक लड़की स्मॉल टाउन से आती है शहर में पढ़ने के लिए, और उससे काफ़ी बड़े ख्वाब होते हैं कि बड़े घर में शादी होगी, ये होगा वो होगा, और उसका बाप ज़बरदस्ती एक छोटे घर में शादी करा देता है, फिर वो छोड़ के आ जाए। काफ़ी अच्छा, वो भी एक फीमेल ओरिएंटेड मुद्दा है। उसके बाद में एक फिल्म आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मल्टी स्टार फिल्म है, प्रदीप भैया प्रोड्यूसर हैं, फिरोज खान जी डायरेक्टर हैं। पहली बार इंडियन फिल्म में, भोजपुरी नहीं बोलूंगा, इंडियन फिल्म में पहली बार कोई ऐसा मुद्दा दिखाया गया होगा जिसमें उस टाइप का नहीं है कि हीरो के अंदर सुपर पावर आ गया लाइक गदर में सनी देओल और एवरीथिंग, और वो पाकिस्तान में घुस गया और हीरोइन को लेके आ जाए। रियल मुद्दा है, सर्जिकल स्ट्राइक और सब कुछ है, तो काफ़ी अलग सब्जेक्ट है वो भी। उसके बाद अभी एक विजयनी के लिए ब्रज सर के साथ मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, जो हम लोग नेक्स्ट मंथ जाएंगे शूट पे, गाना रिकॉर्डिंग चल रहा है, और मेरे ऑपोजिट काफ़ी सीनियर एक्टर हैं गुंजन कपूर जी, वो कास्ट हुई हैं, और थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं, और थोड़ा खुश भी हूँ कि उनसे काफ़ी सीखने को मिलेगा सेट पे। सो बस देखते हैं कारवा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचता है। थैंक यू। मोहब्बत के सौगात, जैसे कि बताया पल्लवी प्रकाश जी प्रोड्यूसर हैं, पीपीआई म्यूजिक ने अभी उसका ट्रेलर रिलीज़ किया, ब्रज सर उसके डायरेक्टर हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरा अपोजिट में श्वेता यादव जी हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वो फिल्म एक मिसाल साबित होगी, जिस तरीके से जितने कम बजट में और जिस कंटिन्यूटी पे हमने शूट किया, हमने 11 दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट की है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक हम काम करते थे, और मतलब पहली बार कोई फिल्म है जो टीम वर्क से आपको दिखेगी, एक टीम वर्क हुआ है फिल्म में, और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलीज़ कर रहे हैं बिहार में या बॉम्बे राजेश पप्पू, तो फिल्म से काफ़ी उम्मीद है हमें, काफ़ी कुछ उम्मीद है हमारी पूरी टीम को। आदित्य जी काफ़ी टैलेंटेड एक्टर हैं, और इसीलिए मैंने इन्हें फिल्म में लिया, चूँकि पिछली फिल्म जो मोहब्बत के सौगात मैंने बनाई है उसमें बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और ये फिल्म जो विजयनी है, विजयनी में भी मेन लीड यही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है कि शुरू में हमें खोजना पड़ता था, अब तो हमें टैलेंटेड लोग ही खोज लेते हैं। अच्छा, मतलब काम करना स्टार्टिंग है तो ब्रज सर के पास चलो, अब वही मुझे खोज लेते हैं तो मुझे वो मिल जाते हैं नेचुरली। गुंजन कपूर जी को 2005 में ही मैंने पहला ब्रेक दिया था गंगा मिले सागर से में, और वो फिल्म में जब लिया था तो मुझे उल्टा लोग कई लोग बोलते थे कि आप पगला गए हैं क्या, क्योंकि आप वो सिर्फ एल्बम की है और एल्बम की लड़की को आप हीरोइन ले रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि जब वो फिल्म बनी, वो भोजपुरी की पहली बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया, और 4-5 अवार्ड उस फिल्म को मिले, और उसके बाद तो 6-7 फिल्में मेरे साथ की हैं। मेरा नाम अर्चना पांडे है, जैसे कि आदित्य मोहन जी ने बताया कि मैं राइटर हूँ, और विजयनी मूवी की स्क्रीन पे और डायलॉग मैं लिख रही हूँ। सो बहुत ही अच्छी कहानी है, वुमेन ओरिएंटेड है,
बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक प्रेम कहानी भी है इसमें और एक सोशल मैसेज भी है, सेंसिटिव स्टोरी है, तो मुझे लिखने में बहुत मज़ा आने वाला है बहुत, क्योंकि मैं अधिकतर वही चीज़ें लिखती हूँ जिसमें एक औरत का किरदार मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। हीरो से दुश्मनी है? हीरो आदित्य मोहन है इसमें, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और टैलेंटेड हैं। प्लैनेट भोजपुरी।